जनपद सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव के पूरब स्थित पावर हाउस के निकट खेत में सोमवार शाम एक तेंदुआ देखा गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बेलवा गांव के पूरब स्थित पावर हाउस के निकट प्रधानमंत्री सड़क से सटे पूरब स्थित केले के खेत के इर्द गिर्द सोमवार शाम तेंदुआ घूमते हुए देखा गया है, जिसका वायरल वीडियो मंगलवार से पूरे क्षेत्र के मोबाइलों पर घूम रहा है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कुछ राहगीर सड़क से किसी वाहन से जा रहे थे। सड़क से पूरब स्थित केले के खेत के पास से घूमते हुए तेंदुआ दिखाई दिया और वहीं राहगीरों ने घूमते हुए तेंदुआ का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बेलवा निवासी अखिलेश मौर्य, राम कैलाश यादव, टिंकल यशराज, ब्रिजेश मौर्य, विनय जायसवाल आदि लोगों ने बताया कि उक्त वीडियो बेलवा निवासी सुधीर राय शर्मा के केले के खेत का ही है, जहां तेंदुआ टहलते हुए दिखाई दे रहा है। मंगलवार को तेंदुआ के आने की खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। स्थानीय ग्रामीण अपने बच्चों सहित अन्य को देर रात अकेले निकलने निर्जन स्थान पर जाने से मना कर रहे हैं। बताया जाता है कि क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल व्याप्त है। टहलते हुए तेंदुआ की खबर को स्थानीय थाना अध्यक्ष सहित वन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुए सुरक्षा की मांग की गई है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष घनश्याम सिंह ने बताया कि सूचना व वायरल वीडियो मिला है। वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर उक्त सूचना की जांच पड़ताल की जा रही है। स्थानीय लोगों ने किसानों, मजदूरों, चरवाहों सहित पशुओं को चारा लेने व अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए अलर्ट कर दिया है। वन क्षेत्राधिकारी नंदलाल से वायरल वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो दूर से लिया गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि तेंदुआ है या कुछ और है। वैसे हम ऑपरेशन करेंगे, उसके पंजे के निशान को लेकर जांच की जा रही है, विभाग के लोगों को लगाया गया है। देखिए ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ सिद्धार्थनगर राजेश कुमार शास्त्री की रिपोर्ट।